वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा वकार व्लॉग्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, गर्मी इंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो आज के दिन जो है मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूंगी कि मैं अपने दिन कैसे गुजारती हूँ। यहाँ पर टाइम हो चुका है 2:30 बजे, लेट उठा है, सैटरडे था और जो है नाश्ता वगैरह करके सब फ्री हो गए हैं। हुरैन जो है वो अभी थोड़ा सा पेट्रोल लो है हुरैन का, हुरैन सोने के मूड में है। हुरैन को भी पहले नहलाएंगे फिर सुलाएंगे। ये हुरैन आपने इंजॉय किया? इंजॉय किया आपने नहाने करके? हाँ, हुरैन ने नहा के बहुत इंजॉय किया। ये अबीर आ गया है और ये कबीर पीछे बैठ के पढ़ रहा है, ये अभी टेस्ट देगा मुझे। वेलकम बैक, बहुत दिनों के बाद आपसे व्लॉग में मुलाकात हो रही है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट्स वगैरह ज़्यादा कर रहे थे आजकल। तो अभी इनफैक्ट मैं एक शॉर्ट वीडियो ही बनाने लगा हूँ, तो उससे पहले सोचा आप लोगों से थोड़ी बातचीत हो जाए। और उसके अलावा फिर मुझे जाना है इम्तियाज़, क्योंकि आज मेरा फ्राई कलेजी खाने का बहुत दिल चाह रहा है, तो कलेजी भी लेके आते हैं इम्तियाज़ से, उसमें भी साथ चलेंगे। मैं आपको जमजाम वाला इम्तियाज़ भी विज़िट कराऊँगा आज, ठीक है? तो फिलहाल एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे गाड़ी में मुलाकात करूँगा। शॉर्ट्स हमारे बन गए थे, इतना इजी नहीं है बनाना, 2-3 टेक्स लेने पड़ते हैं। मतलब आज तो हमने 3-4 लिए ना, आज थोड़ी वीडियो थी थोड़ी डिफिकल्ट, तो आज हमने 3-4 टेक्स लिए हैं। मैं और कबीर जा रहे हैं इम्तियाज़, क्योंकि कलेजी खाने का मूड हो रहा है यार। अब देखते हैं कलेजी किस चीज़ की मिलती है, अगर तो बकरे की मिलगी तो बकरे की ले लेंगे, नहीं तो मुर्गी की मिलगी तो मुर्गी की ले लेंगे। लेकिन फ्राई कलेजी खाने का भाई दिल चाह रहा है, और 2-3 दिन से दिल चाह रहा है। और मेरा तो कीमा कीमा, चलो अगर कलेजी नहीं मिली तो कीमा ले लेंगे। उस दिन भी कबीर ने हमें बोला पापा मटन मटन मटन, मैं मटन लेके आया और कबीर ने सिर्फ एक और थोड़ी सी और बोटी खाई थी बस। तो ये सब जो भी दिल चाह रहा होता है ना, तो इसकी बातों में नहीं आता मैं, क्योंकि खाता वाता कुछ भी नहीं है। तो जी हम लोग आ चुके हैं इम्तियाज़ जमजमा, और यार यहाँ इस इम्तियाज़ की मुझे सबसे ख़ास बात ये लगती है इसकी पर्सनल पार्किंग। वही कबीर हमेशा ख़राब वाली ट्रॉली उठाता है। ये भाई कलेजियाँ, हाँ ये दिमाग है, वो कलेजी है, ये कलेजी है, ये क्या है, तीतर पीसेस नहीं बनाएंगे इसके? तो मैं कैसे बनाऊंगा इतना बड़ा स्केल? स्टेशनरी सेक्शन, स्पोर्ट्स सेक्शन, ये ले लो, जल्दी जल्दी लो, शाबाश। ये क्या फारिग हेलमेट है यार। ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी का है, हाँ बिल्कुल सही है, फ्लेक्स। कितने ऑप्शंस हैं यार, हमारे बचपन में तो कोई ऑप्शंस ही नहीं होता था। ये पड़े हुए तो हैं इतने सारे, ये लो पियानो के 6 रबर हैं इसमें, पूरे साल चलाता था मैं ये। क्रिकेट बैट्स, इम्तियाज़ की अपनी पेशकश। लोगों को ऐसा लगता है पता ही नहीं कि इम्तियाज़ का कोई P2 भी है, सब नीचे ही आड़ी टेढ़ी जगहों पे पार्क कर देते हैं, लेकिन P2 पे कोई आना पसंद नहीं करता। चुका है इम्तियाज़ से, अब मुझे नहीं पता इन्होंने क्या वीडियो बनाई है क्या नहीं बनाई, अब वो तो जब वीडियो अपलोड होगी तो मैं चेक करूंगी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ कलेजी। ये कलेजी है 1 kg हमारे पास, पी रहे हैं लीची माल्ट, लीची माल्ट। इसमें मैंने लगाया है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, और इसको अब हम छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। तो अरे तू पी रे, दवा है रे दवा, अरे दवा है रे पी रे, लोग पागल हो गए हैं, अरे पी रे दवा है दवा भाई, कुछ और उल्टा सीधा मत समझना, ये लीची माल्ट है। अरे पी तो रे दवा है दवा, पी नहीं यार। तो अभी हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ते हैं। हुरैन सो के उठ चुकी हैं, और हुरैन के लिए मैंने बनाए हैं ओट्स, तो अब अभी हुरैन अपना लंच करेगी और फिर हुरैन खेलेगी। हुरैन की जो है वो फ्रेंड आई है, हुरैन की ये फ्रेंड खड़ी हुई है,
हाय करो। यार ये हम कलेजी बनाना स्टार्ट कर दी है। मतलब मैं आपको एग्जैक्ट रेसिपी तो नहीं शेयर करूँगी, लेकिन ये है कि मैं आपको थोड़ी थोड़ी बताती रहूँगी। बस हमने अभी इसमें प्याज फ्राई किए हैं, अभी इसमें हम बाकी और चीज़ें डालेंगे। तो यार ये मैं थोड़ी सी कलेजी हुरैन के लिए फ्राई कर रही थी, क्योंकि अगर हम खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसको भी खानी चाहिए, और ये हेल्दी भी होती है। मटन की कलेजी बहुत हेल्दी होती है, तो ये है कि उसके लिए अच्छी है। तो मैं इसे 3-4 पीस उसके लिए फ्राई कर रही हूँ। खाएगी तो नहीं, मुझे पता है नखरे तो बहुत दिखाएगी, लेकिन ये है कि अगर खा लेगी तो अच्छा है। ये कलेजी हमारी जो है हमने इसमें प्याज में फ्राई करके, अदरक लहसुन में फ्राई करके, टोमेटोज में जो है ना 2-2 पीस काट के इसके अंदर रख दिए थे। अब वो जब हमारे टोमेटोज हो गए, उसके छिलके हमने यहाँ उतार दिए, उसको अच्छी तरह इसमें मैश करना है, इसका पानी थोड़ा ड्राई करना है, फिर हम इसमें मसाले डालें। मसाले वगैरह हमने सब इसमें डाल दिए हैं, लाल मिर्ची, धनिया, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें। अभी नमक हमने ऐड नहीं किया है, आप अपने जायके के हिसाब से। यार मैं रेसिपी तो आपको नहीं स्पेशली बता रही, अपने जायके के हिसाब से जितना हो बना डाल दीजिएगा। बाकी अब हम इसको भून रहे हैं अच्छी तरीके से, इसको भुनाई कर रही है। तो ये है हमारा कुछ फाइनल लुक कलेजी का। इस पर हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं गार्निशिंग के लिए, और अभी धनिया नहीं है, धनिया मंगवाया है, और इसके ऊपर अब हम धनिया डाल देंगे, और ये रेडी है। और इसके साथ साथ हम बनाएंगे पूरी पराठा। हमारी पूरियाँ रेडी हो रही हैं, ये काफ़ी सारी रेडी हो गई हैं। अब ये एक और जा रही है, ये है गई गरम गरम तेल में हमारी पूरी। देख रहे हैं आप कैसे भून रही है। हमें भी आता है भाई। इसी पूरी के ऊपर सब्सक्राइब कर दें। मैंने भी अच्छी बनाई, ये मैंने बनाई है भाई, और ये विकी ने बनाई है कुछ। तो अबीर पड़ रहा था तो अबीर खाना शुरू कर दिया। हाँ भाई क्या कह रही है, पूरी फिर मजे की है। वाह भाई वाह, वाह मरिंडा के साथ। तुम्हारी कलेजी मजेदार। ये था आज का हमारा एक छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया है तो उसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी जो है वो अपने गोल तक पहुंच सकें। वीडियो को वॉच करें, वीडियो को अच्छे अच्छे कमेंट्स करें वीडियो पे। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए जो है हमारी अपना बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट व्लॉग आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और सब बाय बाय कर दो। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा व्लॉग। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।